दुनिया भर में फैली कोविड-19 को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर हस्ताक्षर किया है। इसमें उइगर व अन्य अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चीन को दंडित करने की मांग की गई है। पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में उइगर व अन्य जातीय समूहों की व्यापक निगरानी और हिरासत में लेने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध शामिल है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने विधेयक उइगर मानवाधिकार नीति अधिनियम 2020 मई में राष्ट्रपति को भेजा था। बुधवार को जारी एक बयान में ट्रंप ने कहा, ये कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन, चीन में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों की जातीय पहचान और धार्मिक विश्वास को मिटाने, उन्हें प्रताड़ित करने, उनसे जबरन श्रम कराने वालों को जवाबदेह ठहराता है। ये कानून चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार की निंदा करता है और चीन के शिनजियांग प्रांत के शिविरों को बंद करने का आह्वान करता है, जहां संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इन शिविरों में 10 लाख से अधिक मुस्लिमों को हिरासत में रखा गया है। साथ ही ये ट्रंप प्रशासन को अल्पसंख्यक समूहों से दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें प्रतिबंधित करने का निर्देश देता है। बिल पर हस्ताक्षर करने के 180 दिनों के भीतर ट्रंप को कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें चीनी अधिकारियों सहित उस प्रत्येक व्यक्ति का पहचान का जिक्र होगा जो शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार के उल्लंघन, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने, बिना किसी आरोप के उन्हें हिरासत में रखने, उन पर मुकदमा चलाने और उन्हें जीवन के अधिकारों से वंचित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान के बाद अमेरिका अपने यहाँ उनकी संभावित संपत्तियों का पता लगाएगा और फिर उन्हें फ्रीज कर देगा। इसके साथ ही उनके अमेरिका आने पर भी पाबंदी रहेगी। उइगरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे वकील नूरी टर्केल ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि ये अमेरिका और उइगर लोगों के लिए एक महान दिन है। चीन का मानना है कि उइगर मुस्लिम चीन के लिए खतरा हैं। चीन ने इन पर दाढ़ी बढ़ाने और नकाब पहनने के कारण भी एक्शन लिया और उन्हें अज्ञात जगह पर हिरासत में भेज दिया जाता है। हालिया जानकारी में उइगर मुसलमानों को ऐसे कारणों से भी हिरासत में लिया गया है जो उनके रोजमर्रा का काम है। खास बात यह है कि चीन इस मसले पर टिप्पणी करने से बचता रहा है।